press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, मैं खान सर आपको AMS Academy की तरफ से आज आउटपुट डिवाइस पढ़ाने वाला हूँ। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? वो सारे के सारे डिवाइसेस जो कि यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। आउटपुट सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, आउटपुट हार्ड कॉपी हो सकती है, आउटपुट कोई वीडियो हो सकता है, आउटपुट कोई साउंड हो सकती है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में, वेव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो है आउटपुट हो सकता है। तो नॉर्मली जो आउटपुट के लिए डिवाइसेज यूज किए जाते हैं, ये आपके सामने लिस्ट है। सबसे पहले जो है ऊपर नाम दिया हुआ है मॉनिटर, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और इस स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के अलावा हमारा प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, डिस्प्ले पैनल्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर है, GPS है, हेडफोन्स है और वाइजर्स हैं। ये अलग अलग तरह के जो है खूब सारे साउंड कार्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हम इनको वन बाय वन सभी आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। और सबसे पहले इनमें हम पढ़ते हैं मॉनिटर्स। मॉनिटर्स में मॉनिटर्स देखिए, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। मॉनिटर यूजर को डिस्प्ले देने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट दिखाने के लिए यानी स्क्रीन पर आउटपुट दिखा देते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, यानी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आउटपुट इस पर मिलता है। अब इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेस पर दो टाइप बताई गई हैं। पहली है हमारी मोनोक्रोम और दूसरी है कलर। अब मोनो का मतलब होता है वन कलर, लेकिन बेसिकली इसमें होते हैं टू कलर्स। मोनोक्रोम इसलिए कहा जाता है कि इसमें आउटपुट के लिए एक कलर का यूज होता है, दूसरा जो कलर है वो यूज होता है इसमें बैकग्राउंड के लिए। तो मोनोक्रोम मॉनिटर जितने भी हैं उन मॉनिटर्स के अंदर दो कलर यूज किए जाते हैं, या तो ब्लैक और व्हाइट यूज किए जाते हैं, या फिर ग्रीन और ब्लैक यूज किए जाते हैं, या फिर एक एम्बर और ब्लैक कलर का यूज किया जाता है। तो इन दो दो कलर्स की हेल्प से डिस्प्ले दिखाया जाता है, जिसमें एक कलर जो है वो बैकग्राउंड में रहता है और एक कलर जो है वो आपको आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है। ये जो मोनोक्रोम मॉनिटर है ये हमारे 60s में आए थे। मोनोक्रोम मॉनिटर जो है वो 60s में आए थे और 80s तक बढ़िया वाला इन्होंने राज किया। 80s में कलर मॉनिटर आ गए तो उसके बाद इनका राज जो है वो धीरे 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 खत्म हो गया। तो 20 साल ये मॉनिटर चले हैं। ये जो मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम मॉनिटर्स के लिए टेक्निक जो यूज होती है वो है CRT। CRT टेक्निक यूज होती है, फुल फॉर्म आप ध्यान कर लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब, ये कैथोड रे ट्यूब के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो आउटपुट है इसे प्रोजेक्ट करने के लिए ट्यूब यूज की जाती है। बल्क ट्यूब होती है जिसके अंदर कैथोड का यूज किया जाता है। इसके एंड में एक पिस्टल रहती है जो कि प्रोपोगेट करती है कलर्स को। जो भी जिस भी कलर से आउटपुट दिखाना है उस कलर को वो पिस्टल जो है वो ट्रिगर करती है और वो डिस्प्ले होता है। फॉर द टाइम बिंग डिस्प्ले होता है, पीछे से ट्रिगर चलते रहते हैं और नया आउटपुट जो है स्क्रीन पर आता रहता है। इसकी जो रिफ्रेश रेट है, इस मोनोक्रोम की रिफ्रेश रेट जो है वो 60 to 85 नंबर्स है पर सेकंड। एक सेकंड में 60 से 85 बार ये रिफ्रेश होता है। तो इसकी ये रिफ्रेश रेट 60 to 85 है। वहीं दूसरी तरफ जो हम कलर मॉनिटर की बात करें, तो ये हमारा जो कलर मॉनिटर है
इसे दूसरा नाम दिया जाता है RGB, RGB, RGB तो आपने सुना होगा। RGB का यूज किया जाता है कलर के लिए, तीन कलर यूज किए जाते हैं, बेसिक कलर तीन बताए जाते हैं, एक को हम कहते हैं रेड और एक ग्रीन और एक ब्लू, ये तीन कलर हैं। इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से कितने भी कलर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा कलर मॉनिटर होता है, इस कलर मॉनिटर के अंदर तीन कलर प्रोजेक्ट किए जाते हैं, RGB और B। पिक्सेल्स के आधार पर इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है और उन्हें पिक्सेल्स में कोई एक कलर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, तीनों कलर का जो कॉम्बिनेशन है उस कलर के आधार पर जो है यहां आउटपुट दिखाया जाता है। तो इसमें मिलियंस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए हम जो है कलर मॉनिटर जो है उसमें हमको रियलिस्टिक आउटपुट नजर आता है। आजकल जो टीवी जो है बिल्कुल जिस तरह से उनमें कलर दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह के कलर जो है इस कलर मॉनिटर के अंदर दिखाई देते हैं। ये जो कलर मॉनिटर है इसमें भी जो इनिशियल टेक्निक है वो CRT ही है, CRT है, लेकिन वो CRT रेड ग्रीन और ब्लू तीनों तरह के कलर्स को प्रोजेक्ट करने, प्रोपोगेट करने या फिर जो है ट्रिगर करने में कैपेबल है। ये भी जिस तरह से मोनोक्रोम मॉनिटर बल्कि होते हैं, ये CRT टेक्निक वाले जो कलर मॉनिटर हैं ये भी बल्कि हैं, बल्कि उनसे ज्यादा बल्कि या भारी होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम टेक्निक के बेस पर हमारे मॉनिटर्स की टाइप देखते हैं। तो यहां पर टेक्निक की बेस पर देखें तो फर्स्ट है CRT, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। उसके अलावा हमारा TFT, LCD, TFT, LED और OLED ये टाइप्स हैं। इनमें एक और चीज हम जोड़ दें वो है हमारा फ्लैट पैनल। ठीक है, इस CRT को छोड़ दें तो ये सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं ये सारे के सारे हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स कहलाएंगे। इन फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में दो टाइप के मॉनिटर होते हैं, एक होता है वोलेटाइल और एक है हमारा स्टैटिक। वोलेटाइल मॉनिटर जितने हैं उनमें एक रिफ्रेश रेट होती है, उस रिफ्रेश रेट के आधार पर मॉनिटर्स रिफ्रेश होते हैं। नॉर्मली जो रिफ्रेश रेट है वो 60 Hz रहती है, थोड़ी बहुत किसी किसी मॉनिटर में कम ज्यादा भी होती है। आजकल जो से रिफ्रेश रेट चल रही है वो 72 Hz की चल रही है। दूसरी तरफ आप देखें ये जो दूसरा स्टैटिक मॉनिटर है इसमें नो रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट नहीं होती है। इसका बेनिफिट ये है ये नॉर्मली बुक्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें रिफ्रेश रेट नहीं होने से जो बुक है वो डिस्प्ले हो रही है, अगर AC या DC जैसा भी पावर यूज हो रहा है वो नहीं मिल रहा है तो भी यहां पर आउटपुट देखने को मिलता रहता है। आउटपुट देखने को मिलता है क्योंकि आउटपुट ही स्टैटिक होता है, आउटपुट में कहीं कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए वो आउटपुट डिस्प्ले होता रहता है। अब हम बात करें हमारे इस TFT LCD, दो लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं लेकिन बेसिकली मॉनिटर हमारे LCD ही है, उसमें टेक्निक जो यूज हो रही है वो TFT हो रही है। फ्लैट पैनल तो है ही, TFT यानी थिन फिल्म, ट्रांजिस्टर्स
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्निक का इसमें यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स की एक पतली सी फिल्म यूज की जाती है जिसकी हेल्प से आउटपुट दिया जाता है। अब हम बात करें इस एलसीडी की, यानी एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले है वो लिक्विड क्रिस्टल्स की हेल्प से दिया जाता है, यानी पूरे स्क्रीन पर लिक्विड क्रिस्टल्स लगे रहते हैं और वो लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो आउटपुट को पूरे स्क्रीन पर पिक्सल बाय पिक्सल फैलाने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो ये एलसीडी डिस्प्ले हैं या एलसीडी हमारे मॉनिटर हैं, इनमें ज्यादा पिक्सल भी आते हैं, यानी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी फार बेटर रहती है। अब हम बात करें इस एलईडी की, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। आप शायद ये जानते ही होंगे कि जो डायोड्स हैं, डायोड्स की हेल्प से अगर हम लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, डायोड्स की हेल्प से अगर हम लाइट एमिट करते हैं तो लाइट का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आजकल जो है वो हमारे जो घरों में बल्ब यूज हो रहे हैं उनके अंदर भी यही एलईडी वाली टेक्निक ही यूज हो रही है, एलईडी बल्ब ही यूज हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पावर कंजम्पशन कम रहती है और ज्यादा लाइट देते हैं। तो यहां पर जो ये एलईडी मॉनिटर हैं ये भी लाइट ज्यादा दे रहे होते हैं, यानी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए ये यहां हमको ज्यादा लाइट देते हैं। ये जो सीआरटी मॉनिटर है जो कि 60 से लेकर के 120 वाट तक खर्च कर देता है पर आर, ये हमारे 5 वाट से भी नीचे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो ये एलईडी जो है वो बहुत कम लाइट का यूज करते हैं। बाकी वही टेक्निक, ये जो फिल्म ट्रांजिस्टर्स की टेक्निक यूज की जाती है, इस टेक्निक का यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि जो इसके मॉनिटर के जो पैनल हैं वो काफी पतले हो जाते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हो मॉनिटर एकदम पतले आ रहे हैं, पहले इतनी जगह चाहिए होती थी, कम से कम 2 फुट की जगह टेबल पर चाहिए होती थी तब मॉनिटर लगता था, यानी पूरी पूरी टेबल पर मॉनिटर लग जाता था, आप कोई और काम नहीं कर सकते। अब आपका मॉनिटर है उसके लिए उसको टेबल की भी जरूरत नहीं है, सामने दीवार में टांग दो, पतला सा रहता है, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं, ऑलेड यानी लाइट एमिटिंग डायोड का तो इसमें यूज किया जाता है, ये है वो है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें ऑर्गेनिक वर्ड इसलिए डाला गया है कि ये हमारी जो आंखें हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये थे हमारे मॉनिटर्स के टाइप। तो स्टूडेंट हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारे मॉनिटर का रिप्लेसमेंट होता है जिसका यूज आउटपुट देने के लिए किया जाता है। अगर हम पुराने टाइम में बात करें तो 2 प्रोजेक्टर काफी पॉपुलर रहे हैं, एक को हम कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर और एक को हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड्स डिस्प्ले करता है, किसी भी आउटपुट सोर्स पर, मान लीजिए हमारे सामने बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर भी आउटपुट दिखाया जा सकता है, दीवार पर भी दिखाया जा सकता है, कहीं भी दिखाया जा सकता है, तो वहां स्लाइड्स की हेल्प से आउटपुट दिया जाता था। सारी की सारी कंप्लीट स्लाइड्स बना ली जाती थी और फिर उसके बाद में एक
बटन या ट्रिगर की हेल्प से उनको स्लाइड्स को रिप्लेस किया जाता था। एट ए टाइम एक स्लाइड डिस्प्ले होती थी, जितने टाइम स्लाइड को डिस्प्ले करना है कर दिए और चेंज करें बटन दबाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीन पर आ जाएगी, पहले वाली हट जाएगी। एक एक स्लाइड उसमें डिस्प्ले होती है। वहीं जो हमारा दूसरा प्रोजेक्टर है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रिंटआउट को डिस्प्ले करता था, यानी पहले आपको स्लाइड पर प्रिंटआउट लेना होगा, फिर इस ओवरहेड प्रोजेक्टर की हेल्प से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। यानी अगर पावर पॉइंट वगैरह का कोई भी स्लाइड्स वगैरह आपको यूज करनी है तो उन स्लाइड्स को एक थिन सीट, प्लास्टिक सीट ट्रांसपेरेंट को के ऊपर आपको उसका प्रिंट लेना होता है और उस प्रिंट को ले करके फिर उसके बाद में आप उसको डिस्प्ले करते हैं। तो ये दो प्रोजेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर है वो 90s में अब्सोल्यूट हो गया और ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो 2000s में अब्सोल्यूट हो गया। अब फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर है, जिसे चाहे हम प्रोजेक्टर कहें और चाहे हम उसे वीडियो प्रोजेक्टर कहें। वीडियो प्रोजेक्टर नॉर्मली इसको इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये आउटपुट में वीडियो भी डिस्प्ले करने में कैपेबल है, यानी ये कंटिन्यूस आउटपुट देता है। इसमें आउटपुट देने के लिए जो लाइट सोर्स है उसमें आजकल यूज हो रही है एलईडी। एलईडी का यूज किया जाता है जिनकी हेल्प से लाइट उसमें से एमिट की जाती है। आउटपुट जो आता है वो एलईडी की हेल्प से आउटपुट इसमें दिया जाता है। इसको आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, आपके लैपटॉप्स वगैरह जोड़ सकते हैं और इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये पोर्टेबल आउटपुट डिवाइस भी है। प्रोजेक्टर जो है इजीली कहीं भी ले जा करके प्रेजेंटेशन वगैरह दी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में इतना ही है। अगली जो आउटपुट की क्लास होगी उसमें बाकी आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ा उसमें अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर यहीं कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।